पूरे देश को एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए तीन काम बड़ा करना पड़ेगा, पाम प्लांटेशन, दूसरा सोया का, बहुत सोयाबीन का बहुत खेती बढ़ाना पड़ेगा, और तीसरा सन। ये करीब 90-95% हमको बाहर से जो तेल और एडिबल ऑयल आता है, जिसमें करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए देश का बाहर जाता है, 1.5 लाख करोड़, हाँ 1.5 लाख करोड़ रुपए बाहर जाता है। उसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। ये 12 एकड़ का फार्म है हमारे मरनी साई राम जी, ये मरनी साई राम जी है, यहाँ के फार्मर हैं और इनके फादर हैं राजा राव जी, और आपका ये 12 एकड़ का, ये हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं जो बोने वाले हैं किसान, उनका स्टेट का पूरा जिम्मे संभालते हैं, क्या नाम है, रामा रेड्डी जी, और सेक्रेटरी आपके, ये इसका स्टेट प्रेसिडेंट, जिले प्रेसिडेंट, जिले का प्रेसिडेंट मुजी बाबू जी। तो ये थोड़ा सा शेप इसका जो पौधे का है तो थोड़ा डिफरेंट होता है, ऐसा फ्रूट होता है, इसको तोड़ते कैसे हैं फिर, बंच एक निकाल के फ्रंट और बाद में एक कट करते हैं, ये पूरा अच्छा, रेड होने के बाद अच्छा रेड होने, ये निकाल रहे पूछ रहे ऐसा ऐसा रेड होने अच्छा, इसको चीटी लेके ऐसे काटते हैं जी, पहले इसको निकालते हैं, बाद में बंच आ जाएगा, पूरा बंच आ जाएगा। और ये रेड है, ये वाला है रैपिन हो गया अभी हार्वेस्ट करने के लिए, अब ये एक कट करके हमारा इधर ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रैक्टर में हम प्लांट को। और ये थोड़ा कम रेड है, वो अलग है, ये ब्रीड अलग है, ब्रीड अलग है। फिर ये है, ये जो कट करने के नीचे जो गिरते हैं पूरा लेते हैं स्वामी जी, ये हाँ इसमें तेल ऐसे ऊपर में रहेंगे, ऊपर वाला इसमें अच्छा तेल ऊपर आता है, हाँ ये वाला जो कट करे तो ये जो है ना CPO, हाँ ये हाँ ये तेल है, इसके ऊपर भी तेल है, अंदर भी तेल, दोनों तरीके। तो ऊपर वाला जो तेल है वो जो है उसको पाम ऑयल बोलते हैं, पाम ऑयल बोलते हैं, जो अंदर जो तेल होता है कैनल तेल, कैनल ऑयल बोलते हैं उसको, ये एकदम नारियल तेल जैसा होता है। तो दरअसल पाम ऑयल के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों में मिथ भी है, मैं भी इसको पहले ऐसा सोचता था कि ये जो पाम है ये हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसको यदि पूरा डीपली देखेंगे तो इसमें भी अभी कई क्वालिटी बनने लग गया है। अभी तो इसका भी पीछे मलेशिया से लोग आए थे, हाँ, वो दिखा रहे थे उसमें इधर कल्टीवेशन है वो तो बोल के बोला था, फिर भी अभी पूरा हम अच्छा कल्टीवेट को मलेशिया के ज़्यादा हम कल्टीवेट करें, हाँ नहीं, और वो बोलता था कि इसका भी जो है वर्जिन क्वालिटी का, इसका भी ऑयल बनाने का टेक्नोलॉजी है, अभी आगे विकसित कर रहे, और इसका जो सीड है उसका ऑयल, ऐसे लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि सीड का भी जो ऑयल है वो खाते हैं, लेकिन लोग उसको नारियल तेल में मिक्स करते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर्टी माने उसके जो पूरा अंदर का उसका जो फूड वैल्यू है पूरा वो पूरा का पूरा नारियल तेल जैसा ही जैसे है। अरे ऐसे झाड़ भी नारियल तेल, ये तो एक ही प्रजाति है ना, हाँ एक ही फैमिली है समझिए, तो फैमिली क्या फैमिली बोलते हैं इसको, पाम फैमिली, पाम फैमिली पूरा, तो नारियल और जो ताड़ी, ताड़ी सब ये सब एक ही फैमिली, तो चाचा ताऊ है सभी, चाचा ताऊ। ये कितने साल का हो गया, ये 7.5 से 8 years स्वामी जी, 7 से 8 साल का हुआ है, और ऐसे 25 साल तक रहे, 25 साल तक, तो ये 25 साल तक चलता है। और इसको यदि देश में अब ये करीब 2 लाख हेक्टेयर में है, उसमें रुचि जो कर रहा है वो करीब 50,000 हेक्टेयर में कर रहा है, बाकी माने करीब करीब जो है 25% जो शेयर है वो रुचि का है। इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, यदि 20 लाख हेक्टेयर के अंदर 20 लाख में हेक्टेयर हम कल्टीवेशन करें तो पूरा आत्मनिर्भर देश हो जाए। अब बताओ, ऐसा ऐसा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है,
और इसमें ऐसा बहुत कम भी पैदावार नहीं होता है, माने इसमें कोई बहुत ज़्यादा फिर रख रखाव की जरूरत नहीं, ठीक है थोड़ा सा तो सावधानी रखना पड़ता है, तो भी अच्छा अच्छा पैदावार हो जाए तो 40 से 50 हज़ार भी कमा सकते। रूट्स जो है इधर रहेगा, जो बड़ा होने के बाद पूरे 3 मीटर जो इधर फटले से जो नीचे पानी इधर से लेता, उधर से नहीं लेता, अच्छा थोड़ा दूर से लेता है, इधर से लेता हम जो एप्लीकेशन जो न्यूट्रिएंट्स करते हैं इधर से यहाँ करते हैं। अब इसको तो ऑर्गेनिक पे भी लेके आ रहे हैं पूरा जो है स्वामी जी, जो फ्रंट को कट करते हैं ना बंच हमारा फैक्ट्री चले जाएगा, जो पत्थर है ये पूरा स्मॉल्स पर कट करके इधर ही चला जाएगा, ऑर्गेनिक पूरा रिसाइकिल हो रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर से इसको फर्टिलाइज करना वो ज्यादा अच्छा है जी, कर रहे हैं, उससे लैंड के लिए भी अच्छा है और ट्री के लिए भी अच्छा है। इसको चाप कटर लेके टुकड़ा कर रहे हैं, हां उसके हिसाब से पानी भी कम लग जाता है, हां और उससे फर्टिलाइजेशन बन जाता है, ऑर्गेनिक मॉइस्चर बन जाता है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये तो इसके अंदर तो मतलब पूरा गर्मी भी ज्यादा नहीं लगता, 2-3% टेम्परेचर कम हो जाता है, और इसको पाम को कैसा टेम्परेचर चाहिए ज़्यादा ठंड में भी नहीं होता? टेक्निकल का ऐसे बोलते हैं स्वामी जी 18 से 30 डिग्रीज तक हम इधर कल्टीवेट कर रहा है, -13 डिग्रीज टू अप टू 50 डिग्रीज तक आंध्र में टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाएगा फिर भी ये सस्टेन हो गया, जनरल टेंडेंसी अप टू 30-35 डिग्रीज ओनली। तो आप यहाँ यहाँ मैक्सिमम कितना चला जाता है? 45-50 तक भी चल अभी ग्रो, और नीचे नीचे इधर तो ज्यादा नहीं है, दूसरा जगह 30 इधर अब वैसे 18 जैसे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में उधर उधर एक 8 to 10 डिग्रीज डाउन, लेकिन 5 डिग्री होगा तो नहीं चलेगा ना ऐसे नहीं स्वामी, जो ग्रोथ है वो हिसाब से नहीं आया जाएगा, फल तो थोड़ा कम हो जाएगा, इधर इफेक्ट नहीं है, क्यों बोलते हमारे फार्मर पूरा देखभाल कोस्टल एरिया में तो बहुत अच्छा हो सकता है ना, उससे आई तो सक्सेस तो आ गया हमारे को, अभी पहले एक ही जमीन था अभी दूसरा जमीन भी आ रहा है, ब्लैक सॉइल भी आ रहा है और रेड सॉइल भी आ रहा है। लेकिन कोस्टल एरिया कोई इसमें ये गारंटी ये तो नहीं है सर, कोई कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, साइल साइल का और सोइल क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए, पानी होना, सोइल क्वालिटी, वाटर, पानी जरूरत है, पानी पूरा होना चाहिए, सोइल का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो 10-15 चलेगा, लेकिन मलेशियन टेम्परेचर के हिसाब से 35 डिग्री मैक्सिमम है, लेकिन वहाँ का रेनफेड के ऊपर निर्भर करता है, तो 45 डिग्री तक तो चलेगा, हाँ चलेगा जी, इसमें गर्मी का टाइम में भी ज्यादा फायदा होता है, खेत में बचा हुआ होगा ना। फ्रूट है जी जी, इसको 48 आवर्स में प्लांट में ले जाना जरूरी है जी। तो 48 आवर्स में जाता है तो तेल अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, मिले तो FFA लेवल बढ़ जाएगा इसका, एसिडिक लेवल बढ़ जाएगा, वहाँ पर इसका क्रशिंग का भी यूनिट लगाना जरूरी होता है, नजदीक में होना चाहिए, हाँ नजदीक में होना चाहिए कि 48 आवर्स में पहुँच जाए, 100 किलोमीटर में 150 किलोमीटर में होना चाहिए, तो ऐसा इसी तरह का अरेंजमेंट है, इसलिए रुचि ने जहाँ पर प्लांट प्लांटेशन कराया वहाँ क्रशिंग यूनिट भी साथ में लगा।